हेलो फ्रेंड्स, हम 10 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, जनवरी 16 वैक्सीन डे 1 3 करोड़ हेल्थ स्टाफ ऑफ फर्स्ट लाइन। तो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने वाली जनवरी 16 से, जिसमें प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। तो इन द इनिशियल फेज प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एन एस्टिमेटेड 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। इसके बाद हमारे यहाँ दो वैक्सीन बन रही हैं, एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक एंड ICMR। ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है वो है कोविशील्ड, और जो भारत बायोटेक बना रहा है वो है कोवैक्सीन। और जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो इंडिजिनस वैक्सीन है। ठीक है, अभी जो भारत बायोटेक वाली है उसका अभी क्लिनिकल ट्रायल मोड पर वो है, और अभी उसके एफिकेसी डेटा पेंडिंग है। हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स विल बी फॉलोड बाई डोज। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे दी जाएगी, उसके बाद 50 साल से ऊपर वाले लोगों को दी जाएगी। उसके बाद जो 50 साल से नीचे वाले हैं पर उनको कोमॉर्बिडिटीज, मतलब उसके अलावा और भी कोई बीमारी है। ठीक है, तो मोर देन 79 लाख पोटेंशियल वैक्सीन रेसिपियंट्स हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन द फ्लैगशिप COVID-19 प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए रजिस्टर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया जाए? COVID-19 प्लेटफॉर्म, विच विल प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स एंड विल ट्रैक इंडिविजुअल रेसिपियंट्स। ठीक है, तो पोस्ट मिल के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। आपको मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, एजेंट क्या है, ये खास मेरे इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा था, जो कि बेसिकली 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंडरलाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री डाइवर्सिटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सैटरडे, इफ देयर इज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट एंड अलाइव, इट इज इंडिया। क्योंकि अभी हमने देखा कि US पे भी ऐसे अटैक हुआ था। अक्रॉस द वर्ल्ड ही सेड देयर इज अ ग्रोइंग क्रॉसिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल। तो ये सब उन्होंने कहा बोला, इनॉग्रल एड्रेस में बोला 2016 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में। ठीक है, और इस उन्होंने वहाँ पर कमला हैरिस, जो कि बेसिकली US की वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, उन्होंने वो भी बताया कि वो इंडियन ओरिजिन की कैसे हैं, उनकी मदर इंडिया से थी, उनके फादर जमैका से हैं। इसके अलावा इस वक्त जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो चीफ गेस्ट एट द फंक्शन फॉर हिज वार्म वर्थ एंड अफेक्शन फॉर इंडिया। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर बेसिकली बोला क्या है इस इनॉग्रल एड्रेस में, तो उन्होंने बोला ही सेड एट अ टाइम व्हेन इंडिया वाज मूविंग टू बिकम आत्मनिर्भर, द इंडियन डायस्पोरा हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड इंडिया। ही अर्ज्ड देम टू यूज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स मोर एंड मोर, वही कि मेक इन इंडिया को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम टीटी टेक्सटाइल टू थेरेपी, आई एम हैप्पी टू सी द अटेंशन खादी इज गेटिंग, कि हम देख रहे हैं कि लोग खादी पर। इसके बाद क्या होगा कि हमारे इससे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेगा पर हमारी रिच डाइवर्सिटी भी लोगों तक पहुँचेगी। तो वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, वी विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन रीचिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी सॉल्यूशंस टू द पुअरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने ये भी बताया कि कैसे कोविड वैक्सीन अब इंडिया रेडी है देने के लिए। अब इंडिया दो चीज़ें सिखाएगा वैक्सीन के साथ, सबसे पहली बात ये वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, लोगों को प्रोवाइड करेगा ह्यूमैनिटी के चलते, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे कंडक्ट किया जाता है वो भी बताएगा लोगों को। यहाँ पर ट्विटर ने यह किया, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनको अकाउंट बैन कर दिया, परमानेंट बैन कर दिया। तो यहाँ पे ये कुछ व्यू पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अ सिटिंग US प्रेसिडेंट सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट, मतलब अगर ट्विटर ने इनको डी प्लेटफॉर्म कर दिया है तो एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है वो ये, मतलब ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये अपने एक नए ओलिगार्क्स बन गए हैं, जिनका जो मन हो रहा है कर रहे हैं। सबसे डेंजरस प्रेसिडेंट, इट इज लेस टू डू विद हिज व्यूज एंड मोर टू डू विद इंटॉलरेंस फॉर अ डिफरेंट पॉइंट। Ironically, those who claim to champion free speech are celebrating big tech firms and now the new oligarchs. ठीक है, इसके बाद इनका ये कहना है, this must be a wake up call for all who don't yet understand threat to our democracy by unregulated big tech companies. अगर वो पोर्टल के साथ ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो सूनर इंडिया रिव्यूज इंटरमीडिएट रेगुलेशन बेटर फॉर आवर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सैक्रोसैंक्ट है। ठीक है, और उसको कटिंग नहीं किया जा सकता इन प्राइवेट बिग टेक कंपनीज के विम्स ऑफ फ्रांसिस के द्वारा। ठीक है, तो जो बिग टेक्नोक्रेट्स हैं वो ओलिगार्क्स बन रहे हैं, ये बेसिकली इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर वेंकैया नायडू ने ये बोला है कि लेजिस्लेटर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो मतलब अब डायरेक्टली जब भी वेंकैया नायडू कोई चीज़ बोलते हैं डायरेक्टली नोट कर लिया करिए, ये सीधे कोट हो सकती हैं। स्पीकिंग एट द ओकेजन ऑफ द रोल लेजिस्लेटर्स डे, नायडू सेड दैट White thinking legislature will never be a party to the distressing scenario of disrupting the proceedings of the house. अगर सही बुद्धिमता वाला legislator होगा तो कभी भी वो उसमें participate नहीं करेगा उस proceedings of the house में जो कि हमको disrupt कर रहे हैं।
and would most certainly like the House to discuss, debate and decide every issue so that he she can make meaningful contribution being equipped to do so. और अगर वो ऐसा इंसान होगा जो सोच सकता है, उसके पास अपनी बुद्धि है, तो मोस्ट सर्टनली वो सारे बिल्स को डिस्कस करेगा, डिबेट करेगा, सारे इश्यूज को मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ डिसाइड करेगा. उन्होंने ये भी बोला, द डिफरेंस दैट एबल लेजिस्लेचर्स कैन मेक द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर्स विच द नीड ऑफ द आर. ठीक है, जैसे डिफरेंस तो होगा लेजिस्लेशन में, हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और, किसी का ओपिनियन कुछ और हो, तो उसकी वजह से ही हाउस फंक्शन करता है, जो कि ज़रूरत भी है कि हर चीज़ पर डिस्कशन हो. एंड एनी लेजिस्लेचर हैज़ द ऑप्शन ऑफ आइदर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट और अपोजिंग इट. कोई भी लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है. उन्होंने बोला इन्फॉर्म्ड अपोजिशन होने चाहिए. ही स्टेटेड दैट इनफैक्ट इन्फॉर्म्ड अपोजिशन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोजल डज अ सर्टेन गुड बट अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. बस सिर्फ अपोज करना है कि दूसरी गवर्नमेंट लाई है तो ये सिर्फ हार्म करता है. ही मेंशन्ड दैट लॉ मेकर्स कैन मेक अ डिफरेंस टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड देयर बाय देयर लेजिटिमेसी थ्रू द सिक्स सीज. तो उन्होंने बोला है कि कैसे सिक्स सीज, तो आप ये सिक्स सीज डायरेक्ट कोट कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, मतलब लोगों में आप समझते हैं लेजिस्लेचर्स से भरोसा उठता है. तो ही मेंशन दैट लॉ मेकर्स कैन मेक अ डिफरेंस टू एनहांस द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड देयर बाय देयर लेजिटिमेसी थ्रू द सिक्स सीज. पहला है कनेक्टिंग विद पीपल, दूसरा है कंडक्ट, तीसरा कैरेक्टर, कमिटमेंट, कैपेसिटी, कम्युनिकेशन. तो कनेक्टिंग विद पीपल, कंडक्ट, कैरेक्टर, कमिटमेंट, कैपेसिटी, कम्युनिकेशन. एनी लेजिस्लेचर इज एज गुड एज इट्स मेंबर्स. जितने मेंबर्स उसके होंगे उतना अच्छा लेजिस्लेचर हुआ, ही सेड. यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें बोली, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है तो एग्रीगेट लेजिटिमेसी ऑफ बोथ ऑफ देम इंटरडिपेंडेंट एंड ईच ऑफ देम ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम ईच अदर. हाउस और लेजिस्लेचर की जो डिपेंडेंस है वो एक दूसरे पे होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सस्टेनेंसी अपनी गेन करता है. हम आगे चलते हैं. यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि जो अरेस्ट करने का प्रोविजन है वो सबसे एंड में होना चाहिए, मतलब आपके पुलिस के पास कोई ये नहीं रह गया, अरेस्ट करना ही एक सोल्यूशन बचा हो तभी अरेस्ट करना चाहिए. ठीक है, द इलाहाबाद हाईकोर्ट इज ऑब्जर्व दैट अरेस्ट शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर पुलिस एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्शन केसेज वेयर अप्रिहेंडिंग द अक्यूज्ड इज इंपेरेटिव और कस्टोडियल इंटरोगेशन इज रिक्वायर्ड. अगर आपको ये लगे कि वो जो इंसान है वो अक्यूज को डरा सकता है तब उसको अरेस्ट करिए, या तो कस्टोडियल इंटरोगेशन की, उसके अलावा अरेस्ट मत करिए. ठीक है, इरेशनल इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट और ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. ऐसे किसी भी अरेस्ट कर लेते हैं, दिस इज ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. The court stated that there is no definite period fixed for the police to arrest an accused against whom an FIR has been launched. After an FIR is launched, the arrest can be made by the police at will. ठीक है, पुलिस अपने विल से किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, but the court has repeatedly held that arrest should be the last option for the police and it should be restricted to those exceptional cases where arresting the accused is imperative or his custodial interrogation is required. फिर ये बताया गया है, personal liberty is a very precious fundamental right and it should be curtailed only when it becomes imperative. अगर peculiar facts की तरफ चाहें, इन द केस ऑफ जोगिंदर कुमार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसने एपेक्स कोर्ट में रिपोर्ट किया था, थर्ड रिपोर्ट ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, वेयर इन इट इज मेंशन दैट अरेस्ट फॉर द पुलिस इन इंडिया मेनली चीफ सोर्स ऑफ करप्शन का. मतलब पहले वो अरेस्ट करती है, फिर लोगों से पैसे लेती है, रिश्वत लेती है, उसके बाद लोगों को छोड़ती है, तो मतलब पुलिस की एक करप्शन का सोर्स बन गया. तो रिपोर्ट ने सजेस्ट किया नियरली जो 60% अरेस्ट होते हैं वो अननेसेसरी होते, अनजस्टिफाइड होते हैं, और सच अनजस्टिफाइड पुलिस एक्शन अकाउंटेड फॉर 43.2% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द जेल. तो कभी ये जैसे आता है कि जेल में कितनी ज़्यादा ओवरक्राउडिंग है, तो आप ये सारे इशूज भी लिख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे अननेसेसरी अरेस्ट होते हैं, और थर्ड नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में क्या बोला, तो ये सारी चीज़ें आप कोट कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं, अब यूपी लेटेस्ट स्टेट ऐड हो गया जहाँ पे बर्ड फ्लू पाए गए. बाकी आपको कुछ ये सब बात सुन, तो हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई भी न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी न्यूज़ पर ट्रंप का इम्पीचमेंट हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है. ब्रेग्जिट ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. यहाँ पर ये आर्टिकल में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पर शांति निकेतन के बारे में बताया गया, तो हम देख लेते हैं. 1863 में महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 20 बीघा लैंड ली थी भुवन दंगा इन बंगाल भीरबम प्रोविंस. फॉर द नेक्स्ट पीरियड वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम बनाया शांति निकेतन, जिसको बोला गया था अबोर्ड ऑफ पीस, जहाँ पे कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड वहाँ पर मेडिटेट कर सकता है अबाउट द फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड. तो निरंकार सुप्रीम गॉड के लिए मेडिटेट कर सकता है, जो कि एक सेंट्रल टेनेट था ब्रह्म समाज आइडियोलॉजी, जो कि उन्होंने खुद फॉलो की थी. 1901 में टैगोर वो सेट अप ऑन दिस लिंक शांति निकेतन ब्रह्मचार्य आश्रम, जहाँ पे लगभग 5 बच्चे थे, फिर और भी वहाँ पर लोग आए. 1921 में वहाँ पे देखा विश्व भारती के सेटअप होते हुए फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर ऑन इट प्रोमाइसिस. ठीक है, तो बाद में लगभग 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया. ये कुछ फैक्ट्स हैं बस, यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं थी.
यहाँ पर ये बेसिकली पीछे चिदम्बरम ने ये बोला कि क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे बढ़ रहा है, कुछ कंपनियाँ ग्रो कर पा रही है, मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म में साठगांठ, ठीक है, कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट के बीच में साठगांठ होती है तो उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनियाँ ही ग्रो कर पा रही हैं। गो एयर के पायलट ने ट्वीट कर दिया था जिनके बारे में डायरेगेटरी, तो उनको निकाल दिया गया है। चिप की शॉर्टेज की वजह से, बेसिकली सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से जो ये कार कंपनीज हैं इनको अपनी प्रोडक्शन कट शॉर्ट करनी पड़ रही है। तो फोर्ड मोटर और इन सबको दे वुड कट व्हीकल प्रोडक्शन दिस मंथ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेमी कंडक्टर बिकमिंग द लेटेस्ट ऑटोमेकर्स हिट बाय चिप क्रंच एज डिमांड रिबाउंड फ्रॉम द कोरोना वायरस क्राइसिस। ठीक है, तो इसमें आपको वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।